अब हम ओपन सोर्स फ्री साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर Audacity को कैसे इंस्टॉल करते हैं देखते हैं। मेरे ट्यूटोरियल्स में सभी का वॉइस ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको एडिटिंग भी करता हूँ। पहले गूगल वेब पेज में Audacity टाइप करके audacityteam.org लिंक को क्लिक करना है। नेक्स्ट डाउनलोड Audacity को क्लिक करना है। सिक्योरिटी कैप्टिका को एंटर करके सबमिट क्लिक करने से डाउनलोड सेटअप फाइल डायलॉग बॉक्स आता है। सेव फाइल को क्लिक करने से फाइल डाउनलोड होता है। ये फाइल को डाउनलोड करके डेस्कटॉप के ऊपर रखा हूँ। इसमें आप साउंड फाइल को एडिटिंग करने के बाद आपको जो फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक वेव, MP3। MP3 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए लेम MP3 एनकोडर प्लगइन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। ये प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड मेनू को क्लिक करके Audacity फॉर विंडोज़ को क्लिक करना है। इसमें प्लगइन सेक्शन में लेम MP3 एनकोडर को क्लिक करना है। ये फाइल एक्सटर्नल वेबसाइट में रहते हैं, ये लिंक को क्लिक करना है। ये साइट में लेम वर्शन 3.99 विंडोज EXE को क्लिक करना है। फाइल डाउनलोड होता है। पहले Audacity सेटअप फाइल को डबल क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पहले इंस्टॉल हुआ फोल्डर को ओवरराइट करने के लिए मैसेज आता है, यस नेक्स्ट इंस्टॉल। नेक्स्ट लॉन्च चेकमार्क को निकाल के फिनिश क्लिक करना है। नेक्स्ट MP3 एनकोडर को इंस्टॉल करना है। लेम सेटअप फाइल को डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल फिनिश। एक MP3 फाइल को Audacity में ड्रैग कर रहा हूँ। ये फाइल को जितना साइज में कट करना है कट करके फाइल मेनू में एक्सपोर्ट ऑडियो को क्लिक करना है। इसमें Audacity एक्सपोर्ट करने वाला फाइल फॉर्मेट रहते हैं। इसमें MP3 सेलेक्ट करके सेव क्लिक करने से वो फाइल MP3 फॉर्मेट में सेव होता है। ऐसा Audacity को इंस्टॉल करना है।